One more भी introducing managing moderator. These users have ability as hello. Hello. मैं दूसरा फोन किधर है? फोन देना मामा। हाँ जी आ जाओ जल्दी से सारे। क्या बात है, इधर कोई कमेंट्स वाला भी सीन है कि नहीं? हाँ जी यार, फर्स्ट टाइम लाइव आए हूँ, अभी थोड़ा ज़रा इंटरफेस समझना पड़ेगा, फिर करते हैं बातचीत। हाँ ठीक हो गया। रिप्लाई कैसे करना है आप इनका? लाइव चैट अच्छा जी, तो इनका जो है रिप्लाई नहीं हो सकता कमेंट्स का, ठीक है। शेजी सोहेल वेलकम, कैनेथ रिचर्ड वेलकम, हारून दाऊद वेलकम हो गया सारों का। कैनी ब्रो को कहना याद कर रहा हूँ यार। कैनेथ अभी जो है ना, सोनू जो है वो अभी ऑफिस है और अभी वो कमेंट्स में बैठा हुआ है। यार सारे आ जाओ लाइव, और जो भी जानवरों के शौकीन नजर आते हैं, किसी किस्म के सवाल जवाब हैं तो आ जाओ फटाफट से। बड़े दिन से जो है ना, मुझे ना YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे थे वर्टिकल लाइव के, तो मैंने कहा चलो आज चेक कर लेते हैं क्या सिस्टम है इसका। और क्या हाल चाल है भाइयो? मोइना बाजी हाँ जी, क्या हाल है आपका? पाकिस्तान पेट व्लॉग्स हेलो। सोनू ये अभी ऑफिस है, तो नेक्स्ट जब लाइव आएंगे सोनू साथ होगा। कितने 5 लोग आ गए हैं यार, शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, जो एनिमल लवर्स हैं, ताकि गपशप हो सके। न्यू वीडियो कब आ रही है? न्यू वीडियो भाई कल आएगी, कल शाम को आएगी। पीकेसी सीगर शो की वीडियो आनी है कल। सोनू ने बनाई है बड़ी मज़ेदार सी वीडियो, कल जो है पब्लिक करेंगे उसको, और देख के लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें यार वीडियोस पे। अभी मैं वैसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो लाइव करते हैं और आप लोगों के साथ बातचीत की जाए, और ज़रा फीचर भी चेक हो जाएंगे वर्टिकल लाइव यूट्यूब के।
थंबनेल थंबनेल यार मैं फोटोशॉप के ऊपर बनाता हूँ। और वीडियो जो है वो मैं आईफोन पे ही एडिट कर लेता हूँ। रोशेल रियाज वेलकम वेलकम भाई वेलकम वेलकम हो गया यूट्यूब लाइव में। सोनू सोनू साहब किधर गायब हो गए हो। सलमान सेठ सोलोमोन सलमोन वेलकम हो गया आपका भी लाइव में। यार 4 लोग देख रहे हैं सिर्फ अभी। जरा शेयर वेयर मारो ताकि कोई कोई टॉपिक मिले कोई बातचीत करें। यार बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे पिछले दिनों में कि अपने घर का सेटअप जो है वो भी दिखाओ। तो जल्दी जल्दी हो कौन देखना चाह रहा है सेटअप हमारा। अच्छा भाई मेरी भी मासूम है। कितने रह गए हो यार। 5 लोगों अभी तक एक बंदे ने जो है ना लाइव को लाइक किया है तो लाइक कर दो। ताड़ी मेहरबानी लाइक कर दो कर दो कर दो कर दो। आज मैं और सोनू व्लॉग बनाने गए हुए थे सुबह से निकले हुए थे तो बड़ा थका हूँ मैं। और सोनू ऐसे ही बेचारा वो ऑफिस भी चला गया हुआ है। भाई लाइक करो लाइक जल्दी जल्दी करो और शेयर वेयर भी मारो जरा यार। इट्स रियली गुड थैंक यू थैंक यू। बिग मुल बुल मैस्टिफ को लेके आओ। यार बुल मैस्टिफ नहीं हमारे पास जर्मन शेफर्ड पड़े हुए हैं वो दिखा देंगे। लैब भी पड़े हुए हैं। हाँ यार लाइक करो भाई लाइक करो जल्दी से यार प्लीज। छह लोग हैं 2 लाइक्स हैं। एक तो आया कोई नहीं है जल्दी लाइव पे और जो आए हैं वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। यार शेयर वेयर करो जरा। अच्छा यार जो जो भी देख रहे हैं कोई चाहता है अगर किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो वो लाजमी बताओ फिर उसके ऊपर जो है ना मैं और सोनू काम करेंगे। अगर आप में से चाहता है कोई किसी भी किस्म का टॉपिक किसी के जेन में है या किसी किस्म का सवाल है जानवरों से रिलेटेड या किसी किस्म का भी तो पूछ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर तो कोई टॉपिक आपके पास है आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं उससे रिलेटेड तो वो भी हमें बताएं। भाई यानी बाद वो लाइव थे यार ये हमारा जो है फर्स्ट लाइव है बंटी सोनू व्लॉग्स पे। और नेक्स्ट भी लाइव आते रहेंगे।
पाकिस्तानी पेट व्लॉग्स आपका भी मैंने वो देखा था डाकू, हमारे सोनू को आपका डाकू बड़ा पसंद आ गया होगा। सारे नस नुस गए हो अच्छा भाई, एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि यार सारे चले गए हैं, किसको लेके हैं? मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। अच्छा भाई, आजकल ना यार बड़ा स्कैम चल रहे हैं, तो जो है ना सीन कुछ ऐसे है कि आप जब बाइंग करते हैं आउट ऑफ स्टेशन से किसी से भी, मतलब लाइक मैं लाहौर बैठा हूँ और आप इस्लामाबाद से कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ पहले वेरिफिकेशन किया करें और ट्रस्टेड ब्रीडर्स जो होते हैं उनसे आप चीज़ ख़रीदा करें। अभी कुछ देर पहले मुझे अदनान भाई की कॉल आई हुई थी पेट एंड ट्रस्ट से, तो वो बता रहे थे बड़े स्कैम हो रहे हैं। सीन कुछ ऐसे है कि आप लोग जो है ना यार डीलर्स को अप्रोच करते हो और डीलर से भी अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो प्लीज़ आप किसी ट्रस्टेड डीलर से चीज़ ख़रीदा करो। फिर ऐसे होता है कि आप छोटे मोटे डीलर के पास आप चले जाते हैं ब्रीडर को छोड़ के, ब्रीडर जहाँ पे आपसे बेचारा 50,000 एक चीज़ का मांग रहा होता है ना, डीलर आपको वही चीज़ 1,00,000 रुपये की बताता है और वही चीज़ आप ब्रीडर से छोड़ के डीलर से जो है 1,00,000 रुपये की ख़रीद लेते हैं। बाद में डीलर आपको चूना भी लगा देता है और फिर आप रोते हैं धोते हैं कि भाई हमारे साथ जो है ना फ्रॉड हो गया, और फिर आप अदर सिटीज़ को जो है वो बदनाम करते हैं। लाइक जैसे अब किसी ने पिंडी से चीज़ ख़रीद ली लाहौर से, ठीक है, अब उसके पास कुछ जो वेल नोन ब्रीडर्स या डीलर्स नहीं होते, वो स्ट्रे कैट्स स्ट्रे डॉग्स और बहुत सारे बीमार जानवर जो है वो बेच देते हैं, ठीक है, तो इस तरह जो है एक तो ट्रस्ट ख़राब होता है, फिर आप लोग जैसे कि सिटीज़ को बदनाम करते हैं कि भाई जान ये सिटी जो है ये लोरिए तो अंज होंगे ने लोरिए तो अंज होंगे ने, तो आप जो है ना किसी को पहले बदनाम करने से पहले ना प्लीज़ वेरिफिकेशन किया करें और ट्रस्टेड बंदे से चीज़ ख़रीदा करें ताकि आपको चीज़ भी अच्छी क्वालिटी मिले, जिसके आप पैसे दे रहे हैं वही चीज़ आपको मिले। मुझे तकरीबन मैं 2008 से ब्रीडिंग करवा रहा हूँ कैट्स की, पहले करवाता था फिर डॉग्स में आ गया मैं, तो आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने मेरे बारे में कोई
गलत रिव्यू दिया हो, ठीक है, तो ईमानदारी से चीज़ जो दिखाई दिखाते हैं वही भेजते भी हैं। तो जो भाई मेरा डीलर शीलर देख रहा है, ठीक है, वो भी ज़रा ख्याल किया करो यार लोगों का। अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है, किस तरह वो बेचारा अपने जेब से निकाल के आपको जो है वो पैसे भेज रहा है अपना शौक़ पूरा करने के लिए या अपने बच्चों का शौक़ पूरा करने के लिए, तो आप प्लीज़ उनके जो एतमाद को जो है ना वो हिट ना किया करें। हाँ, वॉइस ऑफ फिनांस आ गया यार, ये हमारा भाई है वॉइस ऑफ फिनांस, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता है, तो आप लोग इसके चैनल को भी जो है आप करें सब्सक्राइब करें, और नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं जाके देखा करें, अपने बच्चों को दिखाएं, खुद भी देखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और माशरे से रिलेटेड फैक्ट वाली वीडियोज़ होती हैं ये। आए सैफुल्ला खान, वेलकम ब्रो, वेलकम नौरीन नाजिम नाजमी, वेलकम जस्ट अगाए सर, सल्यूट वाली इमोजी नहीं मिल रही तो वो करनी थी, लव यू भाई, कर दो सब कुछ कर दो, लाइक शाइक लस्सी पी लो, बग्गा बग्गा जी तुसी पियो लस्सी, लव यू हो गया सबको जी। जफरुल्ला ओ हेलो, कहाँ से आ जाते हैं तुम लोग भाई, यूट्यूब से अपने घर से। हाय, क्या हाल है सबका, ठीक हो, लाइक कर दो यार, जो जो आ रहा लाइक करता जाए साथ साथ प्लीज। मैं भाई जफरुल्ला न्याजी इंसान हूँ भाई, बग्गा जी तुसी पियो जूस शूस, ताकत तुकत शक्तियां शुक्तियां लेके आओ जरा, फिर तुसी रोज लाइव वेखिया करनी है साड़ी वीडियो। किधर से आए हो, कोई हाल नहीं करते, लाइक नहीं लाइक करते, जा काम कर ना कर यार भरा, तेरी तेरी मर्जी हैगी है यार, ना कर भाई। बाकी बाकी सब यार लाइक शाइक कर दो जरा, यार मैंने तो न्याजी साहब को कुछ कहा भी नहीं है, न्याजी साहब पता नहीं लगता आज न्याजी साहब नू ना करो रोटी सही नहीं मिली। काम ही कर रहे हैं बाबा जी, देखो लाइव आए हैं आपके लिए। हाँ जी, लगता न्याजी साहब नू सालन घट मिले है। अच्छा भाई मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना। अच्छा जी भज जाने हैं, बगा जी कितों गल करते पे हो, कौन कौन सी सिटी से हो यार वो तो बता दो सारे, और वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज। भाई लाहौर से, मैं लाहौर से लाइव हूँ इस टाइम, आप लोग कौन कौन सी सिटी से हो कमेंट में लाजमी बताना। थैंक यू फिनांस, थैंक यू यार भाई। भाई
न्याजी साहब हमारा यूट्यूब चैनल है बंटी सोनू व्लॉग्स के नाम से, और हम बनाते हैं जानवरों की वीडियोस, ठीक है। तो मैं लाइव आया हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए, जिन जिन भाइयों ने जानवर शानवर रखे हुए हैं, ठीक है, उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनकी सुनने के लिए और उनको सुनाने के लिए आया हूँ मैं। हाँ जफर साहब आप आओ हमारे चैनल पे, जाके वीडियोस देखो, असील मुर्गों की वीडियोस पड़ी हुई हैं। वाह भाई ड्रैगन असील, फिर बंद गद्दी के असील, पाकिस्तानी असील, मियां वाली बग्गा जी जूस शूस पियाओ जरा न्याजी भाई नू। न्याजी साहब असी ना मुर्गे मुर्गे पाले तो नहीं है तो ना ही मुर्गियां की लड़ाई नू प्रमोट करने असी। वेलकम टू द लाइव इस्माइल, इस्माइल शॉर्ट्स वर्ल्ड, बंटी सोनू व्लॉग्स में आपका वेलकम हो गया। रोटी खा ली, वीडियो देख रहा हूँ बाबा जी क्या खाया आज आपने? चलो किसी की नाना देखो, न्याजी साहब हमारी वीडियो देख लो आप। हमने किसी की वीडियो देखने के लिए कहा नहीं, मैंने कहा हमारी वीडियो देख लो। अच्छा जस्ट अ गाय, मैं भी ओरिजिनली गुजरांवाला का हूँ। भाई जफर भाई कहाँ से बात कर रहे हो आप, कौन सी सिटी से हो? अरे बड़ा गुशत, माय नेम इज मुरसल, वेलकम भाई, आई होप भाई आप ठीक होंगे। जी भाई प्रिंस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? यार जो जो भी आ रहा है ना लाइव स्ट्रीम पे आके ना यार लाइक लाजमी कर देना प्लीज। कौन सी सिटी है भाई? तोसीन। ऑल गुड ब्रदर। न्याजी दी केड़ी सिटी हैगी उस्ताद जी? असील मुर्गे कौन से रखे हुए न्याजी साहब आपने? ऊपर से राइट की तरफ 3 डॉट दबाओ, वहां से लाइक करो यार लाइक लाजमी कर दो यार प्लीज। प्रिंस मैं लाहौर से हूं भाई। यार देखो जाके आपको पता चल जाएगा वीडियो कहाँ से अपलोड करते हैं।
आप जैसे उस्तादों के पास जाते हैं हम भाई, न्याजी साहब आप जैसे उस्तादों के पास जाते हैं और उनका जाके हम जो है शौक दिखाते हैं भाइयों को सारों को, लाखे पीले लसानी अमरोहे। स्नैन वर्ल्ड मुरसल बाबा मूर। स्नैन कौन सी सिटी से हो यार आप? उस्ताद जी रख लेंगे रख लेंगे। अभी अपने पास कुत्तों का स्टॉक लगा हुआ है, बिलिया है अपने पास, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पर्शियन कैट्स, कबूतर भी थे मेरे पास, चोरी हो गए, मोहल्ले वालों ने चोरी कर लिए। लाहौरी शराजी एग्जीबिशन बर्ड्स। चलो ये सील भी रख लेंगे। और दसो न्याजी साहब सील कौन से रखें शुरुआत में? हारून दाऊद। न्याजी साहब मैंने रखे हुए थे लाहौरी शराजी एग्जीबिशन साइज और सर रखे हुए थे, काटे नहीं हुए थे। ऊपर मेरी छत पे बनेरों पे बैठते थे, इर्द गिर्द वाले सारे उनकी वीडियो बनाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ना सारे एक एक करके ना लोगों ने उठा लिए छत से मेरे। मछलियां भी हैं मेरे पास, ऑस्कर पड़ी हुई हैं। असील जब मैं छोटा था मेरे वाले साहब ने रखे हुए थे। मोहम्मद तौसीन बाबर। ओ क्यों न्याजी साहब न्याजी साहब जस्ट अग आए आपसे बात कर रहे हैं कमेंट में, आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आज आज मैं आज हम करके आए हैं शामू का एक सेटअप कवर करके आए हैं, पैरेट बीक भी था। यार हुसनैन है ना तो कितना को लंबा करना है भाई, मुरसल से स्टार्ट हुआ है, फिर तूने बाबर लगा दिया, फिर किंग, अब मोहम्मद मुरसल बाबर किंग शामू जीरो पैरट भी खूबसूरत जानवर। हाँ आज एक सेटअप पे गए थे, उनके पास एक मेल पड़ा हुआ था पैरट भी का, लाख रुपए का लड़के ने खरीदा। हाँ फिनांस यार वो सारे मेरे जो पिजन्स थे ना वो भाई चोरी हो गए छत से ना, अब न्यू लेके आऊंगा। यार लाइक कर दो, लाइक कर दो यार। हुसनैन मेरा नाम हारून है, मेरा निक नेम बंटी है। उस्ताद जी मैनू भी शामू इन्ना ज़्यादा पसंद नहीं हैगा, उहदे तो चंगे पाकिस्तानी सील हैगे ने, खूबसूरत भी होंदे ने ते जानदार भी होंदे ने। भाई लाइक करो यार, लाइक करो प्लीज।
पैरेट बीक के भरा तू ना कर यार लाइक बाकी ते करन ना न्याजी साहब ताडे अगे ते सारे ही जीरो हवा की पता न्याजी साहब अपने इलाके के एमपी होन चलो जी ठीक हो गया मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मैं चाहे लाइक ना करूं तुम्हें क्या न्याजी साहब मेरे लिए सारे भरा है ने जेड़ा जेड़ा आएगा असं उन्होंने वेलकम करांगे रिप्लाई भी करांगे सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया जो जो वीडियो देख रहा है लाइक कर रहा है सब बहुत बहुत थैंक यू भाई प्लान नहीं था कोई लाइव करने का ये जस्ट ऐसे इंस्टेंटली बैठा हुआ था मैं तो दो तीन दिन से यूट्यूब वर्टिकल लाइव ऑप्शन आ रहा था और यूट्यूब वाले मैसेजेस भी सेंड कर रहे थे तो फिर मैंने कहा कि ट्राई किया जाए फीचर्स चेक करें न्याजी साहब हरून है मेरा ना तुझे सुनिया नहीं जरा गौर नाल सुनो तुसी साड़ी भी कोई सुनो अपनी सुनाई जा रहे हो हाँ जी हाँ जी मजा ले रहे हैं आगे हैं न्याजी साहब सराई की हैं अच्छा जी लड़के ने लग रहा आपकी प्रोफाइल खोल के चेक कर ली है तुहाड़े ही संडे पाए पाई जान न्याजी भरावा कितने है सेटअप अपना मुर्गिया का मियां वाली क्या बात है हमने ना जब ये चैनल स्टार्ट किया ना तो सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी अली भट्ट की तो अली भट्ट लड़के के पास ना सारा जो स्टॉक है ना मियाँ वाली का पड़ा हुआ है अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो जो स्टार्टेड तीसरी वीडियो होगी ना वो आप देखना उधर छत के ऊपर तकरीबन कोई 30-35 जानवर पड़ा हुआ है मियाँ वाली प्योर मियाँ वाली कमालिया और मियाँ वाली शाहजेब गिल वेलकम हो गया हरुण भाई आपको आपकी लाइव पे और थैंक यू यार
भाई जो भी जानवरों से रिलेटेड कोई बात करना चाह रहा है या किसी किस्म की भी बातचीत, किसी किस्म का टॉपिक हो जो चाह रहे हो कि हम कवर करें अपने चैनल पे, तो प्लीज़ अपनी सजेशंस जो है ना वो कमेंट्स में छोड़ते जाए, मैं रीड कर रहा हूँ साथ साथ सारों के कमेंट्स। शायद ये भी यार लाइक कर देना। आ रहे हैं मैं बंदे खांदा हाँ साईं जो मेरा डर है यार। पिटबुल मैस्टिव ब्रीड तो चेक करवाए, जीएसटी तो हर तीसरे बंदे ने रख लिए हैं। हाँ यार ब्रदर, अभी मेरी सुबह एक पिटबुल का बहुत बड़ा कैनल है लाहौर में, उनके साथ बात हुई है। तो रमजान के बाद वो कह रहे हैं कि जो है ना व्लॉग डन करते हैं, तो ईद के बाद जो है पिटबुल का व्लॉग लेके आएंगे। बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत खूबसूरत जानवर वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आपको पिटबुल का भी शौक करवाएंगे। न्याजी साहब तुसी वीडियो वेखोगे, तानू वो 30-35 जड़े जानवर पे हुए ने वो सारे चंगे हैगे ने, एक नहीं चंगा हैगा उत्थे, उत्थे सारे चंगे हैगे ने। मुंडे का शौक बड़ा चंगा हैगा, तो बड़ा पुराना हैगा, ओदे वाले साहब भी शौक करते ने, कबूतर भी बड़े बड़े नयाब पे हुए ने उस मुंडे को। मतलब जिस जिसने ज्यादा जानवर रखे होते हैं उनका फेवरेट एक ही होता है। हाँ ये तो है, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे बंदे का ज्यादा लगाव हो जाता है, तो लाइक ही लाइक ब्रो, तानू फुल सपोर्ट, थैंक यू भाई। अब ऐसे होता है कि जब कोई चीज़ रखी जाती है तो 10 चीज़ें रखी हैं तो उसमें से 2 या 3 जानवर ऐसे होंगे जिसके साथ आपका ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो फिर आपको वो सारी दुनिया से खूबसूरत लगता है। फिर इस तरह होंगे कि फिर बंदा कहना है मेरा कुकड़ मेरा ही सब तो सोना ही है। यार शाहजेब पार्टनर इस टाइम ऑफिस है और नाइट शिफ्ट करता है सोनू, इसकी वजह से अभी जो है ना वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइव जब करेंगे तो सोनू के साथ करेंगे। और ना हमारा चैनल भी अनकरीब मोनेटाइज होने वाला है, तो वो भी आपको आके लाइव बताएंगे कि क्या सिनेरियो है, क्यों लेट हो गया, ताकि बाकी लोग भी वो गलतियां ना करें जो हमने की हैं अभी तक, जिसकी वजह से हमारा चैनल पेंडिंग हो गया है। न्याजी साहब तानू मैं फिर दस रहा हूँ, असी जेड़ा ना अपने चैनल ते रियल लाइफ विच भी ए जानवरों ते जड़ा तशद्दुद होंदा है, फाइट चाहे मुर्गियां दी होए, चाहे कुकड़ां दी होए, ते चाहे कुत्तियां दी होए, किसी भी किस्म दा जेड़ा जुल्म हैगा ना जानवरों ते असी प्रमोट नहीं करते असल जिंदगी विच भी ते वीडियोज़ दे विच भी। ए जुल्म हैगा ते इहनू असी जुल्म ही कंसिडर करने हैं, तो अच्छी बात नहीं है कि आप बेजुबान जानवर को लड़वाएं। हाँ खूबसूरती की हद तक जो है असील मुझे पसंद है, खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं,
और साइज अच्छा होता है इनका। थैंक यू शाहजेब, थैंक यू भाई। हाँ जी भाई, प्रमोट ऐसे भी नहीं करते कदे। चीज़ चंगी हो गई। देखो भाई, ये जुलम है। आपने परिंदा पाला, ठीक है, आप उसको लड़वा रहे हो, और समटाइम जानवर जो है एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। अब जानवर तो जानवर है, उसको तो सेंस नहीं है, उसको तो जिस तरफ आपने लगाना है उसने लग जाना है भाई। वो आपकी ट्रेनिंग है, आपने उसको किस तरह का ट्रेन किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब आप मुर्गे को मैदान में छोड़ेंगे, तैयारी करवा के उसको पूरी, के भाई जाना है कुश्ती करनी है, तो उन्हें तो जानते ना लड़ना ही है। अब जो ये इस चीज़ को, हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई करवाते हैं या इसको प्रमोट करते हैं, ये तो उनकी गलती है ना, कि वो जो है ना जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। हमने जानवर रखे हुए हैं प्यार से, और हम चाहते हैं कि जो भी इंसान रखे वो इसको जो है ना जानवर की हद तक रखे, एक शौक की हद तक, ना कि इसको अपनी नफ्स के सवार कर ले, लड़ाइयाँ करवाएं। मैं फाइट का प्रमोटर नहीं हूँ ब्रदर। जब से आप आए हैं आप कह रहे हैं कि भाई फाइट करवाएं, मुर्गा छोड़े मेरे मुर्गे के साथ, तो ये फाइट को प्रमोट करना ही हो गया ना। फाइट करवा रहे हैं या फाइट को आप वेलकम कर रहे हैं कि भाई आओ मेरे मुर्गे के साथ, अपना कुकड़ छोड़ दो, फिर देखते हैं। फिर वन डी मैं कपड़े देखने चले जाऊंगी यहाँ पर मार्केट। न्याजी साहब, कभी अपना सेटअप जड़ा हैगा ना, ओदी वीडियो बना के ना ते सेंड करना, या कोई तुसी टिकटॉक शिकटॉक बनांदे हो तो सानू अपना लिंक दो, ते मियां वाली कदी चक्कर लगेगा ते तुहाडे सेटअप ते भी चक्कर लावांगे, ते तुहाडा सेटअप भी लोगां नू विखावांगे कि तुसी की रखे होया भाई। ठीक हो गया। और अभी अगर लाहौर से कोई भाई देख रहा है और चाह रहा है कि उनकी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशनल वीडियो बनाए एनिमल्स की, हम ब्रीडर है कोई या जो नॉर्मली शौक कर रहा है, तो हम ज़रूर भाई हाजिर हैं। ये बंटी सोनू व्लॉग्स जो है, ये आप लोगों का चैनल है, आपके लिए हमने प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जहाँ पे हम ब्रीडर्स को प्रमोट कर सकें। जी भाई ठीक हो गया। चलो जी भाई, ये आपका जो है ना चैनल में विजिट करूंगा, और आपसे रबते में रहेंगे, कभी मियाँ वाली चक्कर लगेगा तो आपके सेटअप पे भी हम आएंगे, ठीक है ना भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी हम जस्ट लाहौर के अंदर जो है ना लोगों के सेटअप्स कवर कर रहे हैं, और अगर आप भाइयों का सपोर्ट रहा तो फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान हम विजिट करेंगे, अच्छे अच्छे सेटअप्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ हाँ भाई, जब भी कभी मियाँ वाली चक्कर लगेगा तो आपको, आपके सेटअप पे हम आएंगे, आपका शौक भी दिखाएंगे कि न्याजी साहब कैसा शौक कर रहे हैं।
अपने शौक तक के लिए ओके, बट यूट्यूब चैनल के लिए माजरत। हाँ हाँ भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, वो नहीं शो करना चाहते हैं लोगों को, और उन्होंने अपनी हद तक रखा हुआ है शौक अपना, तो हम किसी को फोर्स भी नहीं करते हैं कि भाई अपनी चीज़ें दिखाओ। हर इंसान की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वो, उसको इजाजत है वो करे भाई। बाकी यार आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता वीडियोस के ऊपर ना, लॉन्ग वीडियोस पे, आप लोगों के लिए हम बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, सेटअप्स कवर करते हैं, फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद अपलोडिंग करनी होती है, थंबनेल वगैरह बनाना होता है, सारा कुछ, लेकिन एकदम से रिस्पांस बहुत जो है ना स्लो हो गया है। हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई थी मुर्गों की वजह से, स्ट्राइक की वजह से हमारा चैनल तकरीबन 14 दिन बंद भी रहा है। बड़ी मेहरबानी नियाजी साहब, ज़रूर लगाएंगे चक्कर कभी, मियाँ वाली चक्कर लगा तो, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ओ कितने चले गए हो, यार देखो शेयर करो जितने लोग होंगे, फिर ज़रा गपशप लगाएंगे, मज़ा भी आएगा। बुली गुलटेर मियाँ वाली साइड पे पूरी कुलटेर भी बड़े तगड़े रखे हुए लोगों ने। यार कोई आइडिया नहीं है अभी, मियाँ वाली हम कभी गए नहीं हैं, सोनू में भी गया वो मियाँ वाली, लेकिन मैं अभी तक मियाँ वाली नहीं गया, तो मुझे ना इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारी लिस्ट में जो है ना शामिल है, जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा पब्लिक का, तो हम ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है डिफरेंट सिटीज़ में विज़िट करेंगे, और जो भाई अच्छा शौक कर रहे हैं उनको हम दिखाएंगे, उनके शौक को प्रमोट करेंगे। हाँ हाँ भाई ज़बरदस्त गुड हो गया, टाइम पास हो जाता है बंदे का यूट्यूब पे। बाकी यार जस्ट आ गए पिटबुल का सेटअप, 2-3 लोग हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है, तो बहुत जल्द पिटबुल की वीडियो आएगी, और 1-2 लैब्राडोर वाले कैनल्स भी हैं, उनके साथ भी हमारा जो है वो बात चल रही है। मसला ये है कि यार जो है ना लोग नहीं बुलाते हैं कुछ अपने सेटअप्स पे, तो होता ऐसे है कि हम लोग फिर जो है ना आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से सेटअप्स ढूंढते हैं और उनको कवर करते हैं, ताकि पता चले कि लोग कैसे शो कर रहे हैं, किस हद तक शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा वीडियोस के ऊपर आप लोगों की तरफ से।
शाहिर नाम है न्याजी साहब। फिनांस सोनू किधर चले गए हो यार? विजन एक चैनल है GSDPK खुरम सलारवान साहब का, उन्होंने कुत्तों के ऊपर जो है ना मौलाना साहब को बिठा के पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, आप वो देखें जाके GSDPK, तो आपको थोड़े से आपके जो डॉग को लेके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके माइंड में शायद वो क्लियर हो जाए थोड़ी बहुत। कुत्ता रखना बेचना हर चीज़ उसके अंदर उन्होंने मौलाना को साथ बैठा के जो है ना कवर की हुई है, क्लियर की है लोगों के लिए। यार लाइव स्ट्रीम को जो है ना शेयर करो और कोई लाइक शाइक भी मारो। रखने के लिए रखा हो और मैटर है पर शो करो ते वट बिजनेस करो और कम खराब है। भाई आजकल बहुत कम लोग हैं जो शौक करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है बिज़नेस ही कर रहे हैं एनिमल्स से रिलेटेड जो है, और जर्मन शेफर्ड की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है भाई, तो शौक तो लोग कर ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन इसका बिज़नेस भी काफ़ी किया जा रहा है। ट्रू ब्रीडर्स है शज़ीब, भाई आ जाओ लाइव आओ लाइव आओ, शेयर वेयर मारो। हाँ जी बाबा जी जस्ट गाया कह रहा बिजनेस भी जो शौक वाली चीज का हो तो फिर मजा आए। हाँ ये भी ठीक है,
अगर आपको शौक है किसी चीज़ का, उसको अगर आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो तो वो बिजनेस भी करने का मजा आता है फिर आपको। हाँ गाइस, अभी मैं आपको माइलो को उठा के उसकी लेंथ दिखाता हूँ शाजेब। अभी मैं अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को उठा के ना गोदी में उसकी लेंथ दिखाता हूँ आपको। मेरे मैसेज पर साइन। यार जो जो भी आ रहा है ना लाइव स्ट्रीम पे, आके यार लाइक लाजमी कर दो यार, प्लीज लाइक किए बगैर ना जाना यार। फ्री है, कंजूसी किस बात की भाई, आए हो तो लाइक करके जाओ। जहांजेब आलम, हाय ब्रदर, कैसे हो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। और वीडियो का लाइक लाजमी करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अंगूठे का कमाल है, जाना कुछ नहीं है तो लाइक लाजमी कर देना। हाँ हाँ भाई जानते हैं, साथ वाली गली में रहता है हमारी, मजेदार ही अपना। तो फिर कैसा लगा मेरा मजाक? उए, टेक लानी पै जानी है उस्ताद। हाँ जी न्याजी साहब, ख्याल रखिएगा अपना, और लाइव आए तो आ जाया करेगा बातचीत करने के लिए, मजा आया बात करके। और भाई क्या सुनोगे, मेरी बसुरी आवाज में गाना सुनना पसंद करोगे क्या? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? रोशान, रोशान क्या हाल है, वेलकम। यार मैं बड़ा थका हूँ, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, आज हम बड़ी दूर गए हुए थे वीडियो करने के लिए और आके बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। थैंक यू मेडिक फार्मा। यार लाइक करते जो प्लीज, जो भी नया आ रहा है ना लाइव स्ट्रीम पे, वो लाइक का बटन जरूर प्रेस करे यार, आप तो सीन भी नहीं करते। और यार जोशान, मैं ना बड़ा फंसा हुआ था, तबीयत बड़ी खराब थी यार काफी दिनों से, तो आज ही जो है ना थोड़ी बेहतर हुआ है, तो आज हम वीडियो करके आए हैं जाके। ये भी जो जितने व्लॉग्स डाले हैं ना, ये तकरीबन ये काफी देर से रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, ये पेंडिंग पड़े हुए थे। हाँ यार, यार कौन कौन सी सिटी से आ रहे हो, जो भी नया आ रहा है लाइव स्ट्रीम पे आके यार वो अपनी सिटी जरूर मेंशन करे कि कहाँ से देख रहे हैं। मैं लाहौर से इस टाइम लाइव आया हूँ आप लोगों के लिए, और बेसिकली हमारा जो चैनल है उस पे हम एनिमल्स की वीडियोस दिखाते हैं, मतलब जो जो भी लोगों ने अच्छे सेटअप्स लगाए हुए हैं, जो अच्छा शौक कर रहे हैं, वो हमारा कोशिश होती है कि लोगों की हॉबी
लोगों तक पहुंचाई जाए, डिलीवर किए जाएं ताकि आप लोग भी देख के शौक कर सकें। फारिस यासिर, वेलकम वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रदर, लाइक लाजमी कर देना यार। और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, ठीक है, या आपके माइंड में कोई टॉपिक हो आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो लाजमी बताइएगा, फिर उसके अंदर हम आपके चैनल का या आपका नाम जो होगा वो मेंशन करके तो हम उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को शाउट आउट भी मिल जाएगा इस तरह से। फारिस या सर, ब्रदर क्या हाल, आप ठीक हैं सारे? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू रिशान। ब्लैक जीएसडी का बच्चा कितने तक मिलता है भाई लूंगकोट? यार अभी हमने रिशान एक वीडियो की है तो वो बॉय के पास ना ब्लैक पपीज पड़े हुए हैं, दो फीमेल्स पड़ी हुई हैं आई गेस, और वो 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, वो वैलेंटिनो की लाइनों में से है। ओ भाई असी इस तरह ही सही है, लड़की रखने की भी जरूरत नहीं है, जिन्हें वेखना वेख ले, नहीं तो कोई गल नहीं यार। आप जैसे भाई देख तो रहे हैं ना, सबको मेरा सलाम। लो ये सोनू भी आ गया ये कमेंटर्स विच। सोनू साहब जस्ट गाय कह रहा है कि भाई पिटबुल का कैनल जो है ना कवर करें, तो मैंने बताया भाई को कि हमारी अभी 2-3 कैनल्स के साथ गपशप चल रही है, जैसे ही जो है ना वो रमज़ान ख़त्म होंगे तो व्लॉग्स डन हुए हुए हैं। मैस्टिव, हाँ मैस्टिव अच्छा ऑप्शन है, अभी तक हमने मैस्टिव वाला कोई कैनल कवर नहीं किया, केन कोर्सो किया हमने, तो मैस्टिव ढूंढते हैं भाई, सोनू की ड्यूटी लगा देते हैं, सोनू जो है ना मैस्टिव का कैनल ढूंढता है, मैं भी ढूंढूंगा, दोनों भाई मिल के आपके लिए मैस्टिव ढूंढ के लेके आएंगे। अभी तक हमारे चैनल के ऊपर जो भी डिमांड्स आ रही हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लैब्राडोर वो पेंडिंग है, 2-3 कैनल्स के साथ बात चल रही है, लेकिन रमज़ान की वजह से जो है ना अभी वो पेंडिंग हुए हुए हैं, आफ्टर ईद। यार मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो पीछे, वो देखो मेरा पिल्ला लेटा हुआ है, हेलो, वो देखो हेलो, वो चला गया, एटीट्यूड चेक किया आपने, इग्नोर करके चला गया। कि मैं अभी गोदी उठा के लेंथ चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है, अभी मैंने टेक लगा लिया पीछे, ये देखो तकिए के साथ, भाई लगा लिया, ये देखो ये तकिया पड़ा हुआ है ना, इसके साथ मैंने टेक भी लगा ली है, और अभी मैं आपको ना अपनी गोदी में उठा के ना माइलो को तो उसकी लेंथ दिखाऊंगा व्यूअर्स। जल्दी जल्दी लाइक ठोको जो जो भी लेंथ देखना चाह रहा है, गोदी में उठा के मैं माइलो की लेंथ दिखाऊंगा आप लोगों को।
अरसलान जान। हेलो ब्रदर अरसलान जान, कैसे हो भाई? ठीक हो यार? लाइक 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 कर देना फटाफट से, जो भी आता है ना भाई, सबसे पहले तो लाइक किया करो वीडियो का यार, फ्री होता है, कोई मसला वाली बात नहीं, अगर लाइक कर दोगे तो। रोशान भी चला गया। हाँ जी भाई, वो मजलो की लेंथ हो। यार कोलैब, आज मेरी भी नाइट ड्यूटी है बट घर में। सही हो गया बाबा जी, मेहनत जरा काम करना ड्यूटी पे। अच्छा यार, यूट्यूबर तो भी हमारे जो है ना सर्कल में कोई भी नहीं है जो हमारे साथ कोलैब करें, या हम किसी के साथ कोलैब करें, तो इन फ्यूचर ग्रो करते जाएंगे तो जो है ना ऑब्वियस सी बात है, फिर कोलैब्स भी करेंगे। अच्छा सोनू कह रहा है कि लोग ना हमारी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेटर आने वाला है आजकल में ब्रिटिश लैब का। ओ हाँ, सच याद आ गया, वो लावा के साथ आपने तो गलत ही सोच लिया है। अच्छा यार, जो है ना कोलैब करेंगे, लाजमी करेंगे। और दूसरी बात ये कि सोनू कह रहा है कि जर्नी के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, तो यार वो जर्नी जो है ना, वो मैं और सोनू जब इकट्ठे होंगे ना तो फिर ही बताएंगे आप सबको कि हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, अभी तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें, या उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल व्लॉग बना के डालेंगे। आप लोग उसको लाजमी देखना और शेयर वेयर भी कर देना। अमूल अमून 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 क्या हाल है? ठीक हो भाई? अमून साहब लाइक कर दो यार, आए हो तो लाइक करके जाना। यार जो भी अभी तक लाइव पे अवेलेबल है और उसने अभी तक लाइव का बटन जो है वो लाइक वाला नहीं ठोका, तो उसको ठोक दो। कोई शेयर वेयर भी कर दो यार, 70 70 मिनट हो गए हैं, पता भी नहीं चला यार वक्त का। अब नेक्स्ट कब आए लाइव ये भी बता दो यार, फिर मैं लाइव आऊंगा। मजा आया यार आज आप लोगों के साथ बातें करके। आगे वीकेंड है, वीकेंड पे एक आधा फिर लाइव कर लेंगे कि नहीं? इस टाइम फुल नींद आ रही है, मैं थका हूं। चलो कल या परसों फिर एक लाइव ठोक देंगे।
सही है। मैं तो सोने लेटा था 10 बजे, घंटा हो गया। ताजी आपकी तो बातें करती गुजर जाएंगी, लेकिन अभी बातें करने के लिए क्षमता भी तो नहीं चाहिए ना बंदे के अंदर। शक्तियां आएंगी, सुबह सो के उठूंगा, फिर रात को लाइव आऊंगा, फिर घंटा 2 घंटा बैठ के बातचीत करेंगे आपस में। कल दा की प्लान है, बना लेने प्लान बाबा जी, ऑर्डर लाओ तुसी बस। मैं माँ शक्ति दे माँ। यार उस्ताद जी ताड़े को आइडिया बड़े खुला फाती है गए ने, जस्ट गए। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही वायरल हो जाएंगे यार। अरसा दराज हो गया, जस्ट गाय भाई। आपने भी कोई रखा हुआ है पेट शेट के? नहीं GLG रखी हुई, जिसकी तबीयत डाउन हुई पड़ी आजकल, क्या हुआ तबीयत को उसकी? ओए ओए, मच्छरों वाला कोयल उसकी फोन से दूर रखना था ना, तो अभी डॉक्टर शॉक्टर को चेक करवाना था उसको। वेट के पास लेके जाओ, आज लेके जाना था, लेकिन वैसे ओवरऑल एक्टिव है। हाँ, चलो ठीक है, उसको एंटीबायोटिक अगर खुद लगा सकते हो तो ऑक्सीडेल लगा दो, 512 mg IM, और इसके अलावा 3 दिन कोर्स करवा दो उसको।
अगर खुद इंजेक्शन लगाना आता है तो। यार एक बात बताओ। हाँ जी उस्ताद जी, क्या बात बताएं आपको, पूछो। आज लेकर यार एक बात बताओ, उस दिन एक वीडियो शेयर की थी, वीडियो देख रहा था, अगर डॉग कोई जहरीली चीज़ खा ले। हाँ यार वो पॉइजन वाली वीडियो थी, वो कराची का एक जो है ना शेल्टर है, उन्होंने शेयर की थी, तो मुझे वो मैसेज अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए इस मैसेज को, तो इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। लेकिन बाबा जी बात ऐसे है कुछ कि अब एक जानवर ने जब जहर खा लिया है तो वो ऑलरेडी जो है वो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, तो वो तो जो है वो अपने गर्दन से नीचे जो है वो चीज लेके नहीं जाएगा, तो अंडे अंदर कैसे जाएंगे, ये मुझे समझ नहीं लगा। क्योंकि जानवर अपना गला चौक कर लेता है, फिर वो अंदर अपने अंदर कुछ जो है ना फूड वगैरह लेके नहीं जाता। यार लाहौर में भी हैं ऐसी टीम्स जो कि शेल्टर पे काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं हैं, जिसकी वजह से ना बेचारे आगे नहीं आ पा रहे हैं। खैर वो भी मेरा और सोनू का प्लान बन रहा है कि हम आप लोगों के लिए जो ये शेल्टर्स हैं ना, जो जहाँ पे स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स को रेस्क्यू किया जाता है, उनको भी आप लोगों के लिए सामने लेके आ सकें, ताकि कोई सिनेरियो हो, कोई चीज़ आप लोगों ने शेल्टर तक पहुंचानी हो तो वो आप उनसे रब्ता कर सकें। पिम प्रो, हाय हाय, हेलो कैसे हो भाई। यार जो जो भी आ रहा है ना लाइक को लाइक लाजमी कर देना यार, अब तो मैं लाइक का बोल बोल के मेरी जुबान स्लिप होना शुरू हो गई है। बिग ब्रांड हरून भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू यार। लाइक करते हैं जो यार, जो जो भी स्ट्रीमिंग पे आ रहा है ना, लाइक लाजमी करे यार, प्लीज मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये देखो शाकार गुड्डू मरासी भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया उसको मैंने। इसकी भी आई जरा खराब हुई है, ड्रॉप्स डाल रहा हूँ।
यू भाई। ये जी हमारा प्रश्न बिल्ला है, इसका नाम है गुड्डू मरासी। गुड्डू है ये, और ये मेरे घर में ही पैदा हुआ है। अभी ये तकरीबन 1 साल का हो गया है, और ये डेफ है, ब्लू आई है ये, लेकिन सारी बातें समझता है सुनने के ना सुनने के बावजूद भी। गुड्डू 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 माइलो यार ठीक है, अभी इधर पीछे ही बैठा हुआ है, दिखाता हूँ। ये वो बैठा है माइलो। ओए इग्नोर कर रहा है। अच्छा 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 भाग गया। और नहीं यार ये वाकई में जो है ना डेफ है। ये जो ब्लू आई कैट्स होती हैं इनमें जो है ना जेनेटिक फॉल्ट है ये, इनमें बहुत ज्यादा जो है ना चांसेस होते हैं कि जो ब्लू आईज होते हैं वो डेफ हों। जूली के साथ मीटिंग करवाई थी यार। जूली 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 लेटर आया था। आप आदिल के साथ आए थे मीटिंग करवाने। ओ अच्छा 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 हाँ। कैसे हो भाई, ठीक हो? यार 83 मिनट्स। चलिए भाई गुड हो गया ये तो। और सुमेर सुमे सुम बिलाल भाई और बताओ यार क्या रखा हुआ आजकल? वो फीमेल तो आपने सेल कर दी थी। अच्छा वो हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही जा रहा है, शौक काम शाम सही चल रहा है भाई। जादू करता कौन जादू करता है? चले भाई वेरी गुड हो गया ये तो। हाँ हाँ जबरदस्त, अच्छा था, कोई लेना है इस दफा? चलो अभी मैंने मेड करवाई हुई है,
जो है ना फीमेल्स यलमार और रेस्टा के बच्चों के साथ ना इम्पोर्टेड लाइन्स के मेल हैं दोनों, तो अगर उनमें से लेटर आया तो मैं आपको बताऊंगा। फिर फीमेल भी बहुत टॉप क्वालिटी है मेरी, और जो मेल है वो भी बड़े टॉप है। और किसी का यार कोई सवाल वगैरह है, कोई बातचीत करना चाहते हो तो भाई कमेंटस करो, कमेंटस। लिटर मेड सिंड्रोम वाला चक्कर सुना है आपने? यार ये वाला चक्कर नहीं सुना मैंने अभी तक। अच्छा इसमें है, कह रहे हैं जी रेफर्स टू बिहेवियर डेट डेवलप व्हेन टू पपीज फ्रॉम द सेम लिटर आर रेज टुगेदर। बिहेवियर इंक्लूड अटैचमेंट टू ईच अदर, डिफिकल्ट बॉन्डिंग विद ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, अग्रेशन, सेपरेशन, एंजाइटी एंड रिड्यूस इंडिपेंडेंस इन ट्रेनिंग। अच्छा तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या होता है इसके अंदर लिटरमेंट सिंड्रोम्स में? वो कह रहे हैं, मैंने भी गूगल किया तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर दो जानवर जब एक साथ पले हो जाएं तो उनके अंदर एनजाइटी के इशू आते हैं, ह्यूमंस के साथ जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और यार मेरे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया, मेरे पास अभी 6 कुत्ते पड़े हुए हैं, उनमें से सिर्फ एक मेल है जो नहीं लड़ता किसी के साथ, बाकी जो है ना फीमेल्स हैं मेरे पास 5। वो उनको मौका मिल जाए ना तो वो कुत्तम कुत्ती हो जाती हैं, किसी को किसी से प्यार नहीं है। और मैंने सारे ही पपीज़ पाले हुए हैं, एक फीमेल सिर्फ अडल्ट आई थी मेरे पास शेफर्ड, उसके अलावा मैंने सारे पपी बाय किए हुए हैं और सारे पपी पाले हुए हैं। अभी मेल मेरा जो है वो हो गया है 4 साल का हो गया है, फीमेल भी तकरीबन इतनी इतनी दे रखी हैं। बात तो ठीक है। लो यार भाइयों, बड़ा मज़ा है आप लोगों के साथ बातचीत करके।
अब ना मैं लाइव को एंड करने लगूं और फिर दोबारा इस सिंड्रोम इशू कुछ फीमेल्स को होता है पीटीज में। यार होता है, वो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं ना सिंड्रोम के। मतलब अब मेरी एक फीमेल एंजाइटी का शिकार हो गई थी, ठीक है, उसने 10 फुट ऊपर से जाके जंप कर दी नीचे सीढ़ी से। सर क्लोमाइड यूज होती है डॉग में, उसका क्या फायदा है? क्लोमाइड यार, ये मैं भी अमजद भाई मैंने अभी तक ये यूज नहीं किया। लाइक मुझे ना एक मिनट चेक करने देंगे कि है किस चीज की। बांझपन के लिए ये यूज होती हैं। आपने आपने किस के लिए यूज करनी है ये? मतलब क्या इशू आ रहा है आप आपके डॉग के साथ या किसी भी चीज के साथ? यार ये जो अमजद भाई, ये जो मेडिसिन है ना, ये फर्टिलिटी के लिए है। जो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू आता है ना, ये उसको ठीक करने के लिए है। जो फीमेल्स बच्चे नहीं देती हैं, कंसीव नहीं करती हैं, ये उनके लिए है। भाई आपका थैंक यू, आप आए हैं हमारी वीडियो पे। लाइक लाजमी कर दीजिएगा यार। चलो मैं भी चला सोने लगे। हाँ यार जस्ट गए ब्रो, जो है ना यार नाम अपना बता दो क्योंकि मेरे जहन से निकल गया नाम। ऊपर जाना पड़ेगा चैट में, बहुत दूर जाके देखना पड़ेगा। इतनी दूर मैं जाना नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ पहले। शाहिर, लो भाई शाहिर, ख्याल रखना यार अपना, जाके नीनी नीनी करो। और अमजद भाई कोई मसले वाली बात नहीं भाई, हैं आप किसी किस्म का भी कभी भाइयों के लाइक कोई खिदमत हो तो लाजमी बताइएगा। ओके okay, भाई लोग सब अपना ख्याल रखना यार। आप लोग गए, आपने टाइम निकाला, लाइव जो है बातचीत की हमने, बड़ा मज़ा आया। और नेक्स्ट भी आएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैं और सोनू इकट्ठे आएँ लाइव और आप लोगों के साथ गपशप लगाएं और आगे जो प्लान्स हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करें लाइव आके। और आप लोगों से भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लें, कुछ आइडियाज़ लें, ताकि जो है ना वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और आप लोगों को मज़ा आए वीडियोस देखने में। लो भाई मिलते हैं फिर, ख्याल रखिएगा सारे अपना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।